जबलपुर का रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय इन दिनों मनमानी, मारपीट और शराबखोरी का अड्डा बनता जा रहा है। यूनिवर्सिटी के देवेन छात्रावास में रहने वाले दो पूर्व छात्रों ने बिना आवंटन के ही हॉस्टल के सील किए गए कमरों पर कब्जा कर लिया है, जिसमें देवेन छात्रावास को लेकर छात्र गुटों में विवाद शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, कमरों की सील तोड़कर कब्जा करने की शिकायत करने पर जूनियर विद्यार्थियों के साथ मारपीट भी की जा रही है। तो दूसरी तरफ विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए भूतपूर्व सैनिकों को भी सुरक्षा से हटा लिया गया है, जिसको लेकर विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि छात्रों के आवेदन के आधार पर हॉस्टल के कमरे आवंटित किए जाएंगे और अगर कोई छात्र अवैध तरीके से रह रहा है तो उसे हॉस्टल से बाहर किया जाएगा। तो जो ये छात्र संघ के प्रमुख लोग जो है, जो छात्र बनने का ढोंग करते हैं लेकिन वह है अपराधी, उनके द्वारा छात्रों के साथ मारपीट की गई, जिसकी शिकायत विश्वविद्यालय को प्राप्त भी हुई लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं किया, आके मुंदे बैठा है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। छात्रावास में प्रवेश चाहते हैं उनके लिए प्रक्रिया चालू की गई है, साथ ही साथ जो पहले से निवासरत छात्र हैं उनके एडमिशन्स को भी उनके साथ रिन्यू किया जाएगा और जो भी लिस्ट हमारी कंपाइल होगी एट द एंड वो हम स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है उसको हैंडओवर कर देंगे।